ऑलराइट गाइस, पिछले साल से हम इतने सारे गैजेट रिव्यू किए हैं अलग अलग वेबसाइट से कि इस वेबसाइट का नाम पता हम भूल गए थे। और देखो ना, याद भी कब आया, जब जियो का प्राइस 20-25% बढ़ गया। और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ हमेशा की तरह। तो देखो, वेबसाइट आपके नजर के सामने है और लिटरली वेबसाइट काफी अच्छा दिख रहा है। मोबाइल, टैबलेट्स, टेलीविजन, ऑडियो, होम अप्लायंस, कंप्यूटर्स, कैमरास, किचन अप्लायंस, पर्सनल केयर एक्सेसरीज वगैरह सारे मिलते हैं, जैसा आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इससे कोई मंगवाता कि नहीं है? गुड क्वेश्चन। मैं भी फर्स्ट टाइम मंगवाने वाला हूँ, इसके पीछे का रीजन बताएंगे आपको। देखो भाई, यहाँ पे चल रहे हैं बढ़िया, अभी मॉनसून का डिस्काउंट, थोड़ा सा रिचार्ज पे भी डिस्काउंट मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता ना। ऐसा तो मिलता नहीं भाई, कन्वीनियंस फी के नाम पे तो एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं और प्लेटफॉर्म के नाम पे अलग ही। तो चलो फोकस करते हैं यहाँ प्रोडक्ट पे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे भाई एसी, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी अलग अलग प्रकार के यहाँ मिल रहे हैं। जियो का जरूर मिल रहा है ऑल इन वन सेकेंड फ़ोन, अच्छा रियलमी हो गया, वीवो हो गए, इसके बाद वैक्यूम क्लीनर वगैरह हो गया, प्रिंटर्स, TWS, ईयरफोन, मॉनिटर्स, सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलो गैजेट ढूंढना शुरू करते हैं एंड निकालते हैं बढ़िया बढ़िया गैजेट। ये मैं सर्च किया गैजेट्स और देखते हैं क्या आता है सामने। गैजेट्स के नाम पे मैं मिल रहा है ट्रांसपेरेंट एक बैक कवर, स्पाइडरमैन का PS4 का एक कैसेट एंड इसके बाद स्मार्ट वॉच और एक पावर बैंक, डैट्स इट। यानी कि सर्च इंजन बहुत ही ख़राब है। एक्सेसरीज में आते हैं, एक्सेसरीज में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट डिवाइस में स्मार्ट प्लग है, सेंसर लाइट हो गए, स्पीकर हो गया, पावर बैंक है, केबल्स वगैरह है, इसके बाद मेमोरी कार्ड हो गए। तो ये सारा यहाँ पे दिखा रहा है, तो एक एक करके बढ़िया से देखना पड़ेगा भाई एंड फिर जाकर गैजेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो ये 10 घंटे के काम को मैं 10 सेकेंड में करके दिखाता हूँ आपको। लो भाई, हो गया प्रोडक्ट बढ़िया से रिसर्च। अब दिखाता हूँ मैंने कार्ट में क्या क्या लगाया है। तो गाइस, ये सारे वो गैजेट है जो मैंने ऑर्डर किया है। ऑफकोर्स ये ब्लर है, अभी देख लोगे तो बाद में क्या ही देखोगे। तो चलो इस सभी को ऑर्डर कर देते हैं, डन। अब गाइस, जैसे डिलीवर होता है फिर आपसे मैं मिलता हूँ। ऐसे तो 3 घंटे में डिलीवर करते हैं, लेकिन ये सिलेक्टेड आइटम पे होगा और सिलेक्टेड लोकेशन पे होगा, लेकिन हम इंतजार करेंगे 2-3 दिन और आता है या नहीं सब चीज़ आपको बताते हैं। तो फाइनली गाइस, ये आ गए अपने वो सारे गैजेट जो हमने ऑर्डर किए थे, लगभग 2-3 दिन लग गया है, मजाक कर रहा हूँ, बस सीन चेंज किया। और यहाँ पर देखोगे भाई, 1, 2 और 3, बस 3 डब्बे हमारे पास और गैजेट हमने ऑर्डर किए हैं लगभग 6-7, कुछ घोटाला तो नहीं हो गया? तो भाई सबसे पहले डब्बा क्वालिटी देखे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डब्बा क्वालिटी ये और वेबसाइट के तुलना में काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे देखोगे जियो मार्ट लिखा हुआ है। अब मैं ये सोच रहा हूँ भाई, जब चीज़ें सेम बेचने हैं तो जियो मार्ट, रिलायंस डिजिटल अलग अलग क्यों कर रखे हो? मतलब जियो मार्ट पे भी गैजेट मिल जाते हैं और रिलायंस डिजिटल पे भी मिलते हैं। भाई अंदर का बॉक्स फट गया इससे। ये 1, 2, अच्छा एक में दो दो है, चलो एक को फिलहाल बढ़िया से देखते हैं। तो भाई ये है एक बाइनोकुलर। अब ये जो बाइनोकुलर है ना, ये और वाले से थोड़ा ज्यादा बेटर है और यहाँ पे काफी अच्छा पाउच भी दिया है और एक क्लीनिंग क्लॉथ भी है और यहाँ पे रखा हुआ है बाइनोकुलर और इसके साथ एक स्ट्रिप भी है जिसे आप मस्त यहाँ पे लटकाकर वाइल्ड लाइफ वाला फील ले सकते हो और 12 महीने का वारंटी भी मिलता है। भाई सबसे पहले क्वालिटी देखे तो डेफिनेटली क्वालिटी काफी अच्छा है एंड जो लेंस का क्लियरिटी है ना, ये भी बहुत सही लग रहा है मुझे। अब ये जो बाइनोकुलर है, ये एकदम से ज्यादा दूर का चीज आप नहीं देख सकते, एकदम करीब में, बस इतना समझ जाओ कि अगर 100 मीटर के डिस्टेंस में कुछ है तो सब बढ़िया से देख सकते हो। ऐसे दूर का भी दिख जाता है लेकिन एकदम क्लोज नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ से आप फोकस और डी फोकस जरूर कर सकते हो इस नॉब के हेल्प से। और डेफिनेटली यहाँ पे जो क्वालिटी है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं ये आपको कैसे दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा इमेज मैं कैप्चर किया हूँ, बिफोर और आफ्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। इस डेफिनेटली 1000 रुपये के हिसाब से बाइनोकुलर काफ़ी अच्छा है। आप किस काम के लिए बाय करोगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब उसमें का सेकेंड गैजेट बाद में दिखाता हूँ, पहले सेकेंड डब्बा का फर्स्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। ओ भाई साहब, इसमें तो सारे के सारे गैजेट भरे हुए हैं। तो भाई ये अपना एक ब्लूटूथ स्पीकर और इसे बढ़िया से पैकिंग किया हुआ है, नो डाउट सील वगैरह लगे हुए हैं, पुराना आइटम नहीं है। अब एक कमेंट आया था भाई, पुराना वगैरह क्या होता है, भाई आ जाते हैं, रिटर्न हुए प्रोडक्ट भी कभी कभी भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले लुक वाइज यहाँ पे देखे तो थोड़ा रगेड टाइप का दिखता है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही चीप है। ये लगभग 300-400 रुपये के हिसाब का क्वालिटी यहाँ पे लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। पोर्ट्स की बात करती है, यहाँ पे USB पोर्ट, माइक्रो USB
ऑक्स पोर्ट एंड माइक्रो एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हो। बटन यहाँ पे प्लस माइनस यानी वॉल्यूम रेज और डाउन कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पावर बटन है जिसे हम प्रेस करके ऑन करेंगे। बैटरी डाउन है इसका, ऐसे 500 एमएच का बैटरी है। चलो इसे चार्ज में लगा देते हैं, नेक्स्ट गैजेट पे फोकस करते हैं। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई थी और ये कहीं पे दब गया था कीचड़ में, एंड फिर जैसे मैंने ऑर्डर किया ये हमारे पास आ गया है। भाई बहुत ही गंदा हालत में है ये, इसलिए मैं बोल रहा था भाई पुराना तो ना भेज दिया। ये बेसिकली एक वॉल चार्जर है, अंदर से तो नया है, ऊपर से बस इसका डब्बा काफी ज्यादा गंदा था। तो ये टोटल 10 वाट आउटपुट देता है जिससे अपना डिवाइस वगैरह चार्ज कर सकते हो। थोड़ा पोर्टेबल जरूर है लेकिन वाट काफी कम है। काफी गंदा कंडीशन में हमारे पास आया, बट हाँ अंदर क्वालिटी अच्छा है, लेकिन वर्थ इट नहीं ये प्रोडक्ट। सो तो गाइस ये अपना नेक्स्ट, एंड तो ये एक TWS है। और सच बताऊँ तो गाइस यहाँ पे ना एक्सेसरीज में बहुत ही कम चीज़ देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ प्रोडक्ट ना आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, वो भी आपको स्टॉक में दिखाता रहता है, और जब आप ऑर्डर करने जाओगे ना तब जाकर वो आपको दिखाएगा कि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है। ये रियल इंसिडेंट में आपको बताया। तो सबसे पहले ये TWS का डिज़ाइन देखे तो भाई बहुत ही शानदार डिज़ाइन है, ट्रांसपेरेंट है पूरा। यहाँ पे देख सकते हो सारा सर्किट वगैरह दिख रहा है, इवन यहाँ पे जो बर्ड्स का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फिट भी काइंड ऑफ अच्छे तरीके से हो गया है। बाकी यहाँ पे लीड का क्वालिटी देखे तो सस्ता ही है भाई, एंड इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग इंटरफेस मिलता है। तो चलो अगर डिजाइन इतना अच्छा, साउंड इसका हो गया, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा TWS होगा। यार ये कनेक्ट हो जा रहा है, बस बज नहीं रहा है, लगता है इसको किसी ने बजा दिया है बढ़िया से। तो क्या ही बताऊँ इसके बैटरी वगैरह के बारे में, प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव है। तो अब ये हमारे पास लास्ट डब्बा बचा हुआ है, रिलायंस यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, देख सकते हो। ऑफ कोर्स मैं सच बताऊँ तो ये सब प्रोडक्ट काफ़ी पहले आया करते थे, तो उसी सब का स्टॉक एक दो बचा हुआ है जिसकी वजह से डब्बा पुराना हो गया है, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे अंदर से नया है। भाई लगाना कैसे भाई, ये तो मेरे कान से बाहर जा रहा है, तो फिर फिट कैसे होगा? इसे छोटा बड़ा आप कर सकते हो अपने कान के अकॉर्डिंग, भाई फिट हो जाता है इसे। बेसिकली साउंड बताऊँ तो काफ़ी एवरेज सा है, जो रेलवे स्टेशन के साइड में बिकते हैं ना कुछ वैसा ही साउंड है। ऐसे एक माइक है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो। बेसिकली यहाँ पे गैजेट बताऊँ तो प्राइस वाइज ठीक है, मतलब अब हमारा जो बैटरी चार्ज में लगा हुआ है ना वो निकालते हैं। तो देखो 3 वाट के हिसाब से साउंड तो अच्छा है, 5 वाट के स्पीकर होता अंदर तो थोड़ा और बेटर होता। अब यहाँ पे जो बैटरी है ये लगभग अगर आप इसे बजाते हो 50-60% वॉल्यूम पे तो लगभग आपको 3-4 घंटे का बैकअप देगा, तो काइंड ऑफ ओवर प्राइस मुझे लग रहा है। 700-800 में बढ़िया स्पीकर आ जाते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी बज रहा है ये काफ़ी है, नहीं तो TWS जैसा। एंड लास्ट गैजेट हमारे पास एक जियो टैग, एंड ये भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें हमें मिलता है, देखो सबसे पहले ये जियो एयर टैग काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिसे अपने वॉलेट में या अपने की के साथ इजीली आप रख सकते हो। और ये जियो एयर टैग आपके एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के साथ कॉम्पैटिबल है। अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो इसे आप जियो थिंग्स ऐप से कनेक्ट कर सकते हो, एंड इफ यू आर यूजिंग iPhone तो एप्पल के ऑफिशियल फाइंड माई नेटवर्क से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये ट्रैक काफ़ी अच्छे तरीकों से करता है, तो लेट्स सपोज आप कहीं पर जा रहे हो तो अपने बैग में इसे रख दिए या वॉलेट में रख दिए तो ईजिली आप इसे ट्रैक कर सकते हो। और इसका जो साउंड है ये भी काफ़ी लाउड है, तो अगल बगल में कहीं पे है आपका सामान तो साउंड यहाँ पे इनेबल करोगे तो काफ़ी तगड़ा साउंड निकलता है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अपने सामान को। अब ये सिंगल एक बैटरी से आप इसे लास्ट 365 डेज तक यूज कर सकते हो, जो कि काफी इनक्रेडिबल है, और एक बैटरी आपको इसके साथ एक्स्ट्रा मिलता है। एंड देखो ये एप्पल फाइंड के हाफ प्राइस में आता है, तो प्राइस वाइज भी काफी सही है, तो डेफिनेटली इसे आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो हमने डब्बा ओपन किया था उसके अंदर एक और प्रोडक्ट था, वो भाई हमें वीडियो शूट करने के बाद पता चला है। तो चलो तो भाई डब्बा खाली था क्योंकि आयरन मेरे बेडरूम में था, एक शर्ट में प्रेस कर रहा था। बेसिकली इसका क्वालिटी देखे तो यार क्वालिटी प्राइस वाइज देखे तो सही है। यहाँ पे आपको 3-4 मोड मिल जाते हैं, नाइलोन, रेयन, सिल्क, वूल एंड कॉटन एंड लिनन कपड़े पे आप इसे आयरन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लाइट मिलता है, साथ में ऑटो कट है, और यहाँ पे मस्त आपको सेरेमिक कोटिंग में देखने को मिल जाता है इसका हीटिंग पैड जिससे आप आयरन करोगे। तो यहाँ बिफोर और आफ्टर देख सकते हो, एक शर्ट है जिसपे मैं आयरन कर रहा हूँ, एंड लिटरली यहाँ पे आयरन तो अच्छे तरीके से कर रहा है। बाकी यहाँ पे जो केबल का क्वालिटी है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, एंड यहाँ पे आपको 3-पिन प्लग मिलता है जिसे आपको इस तरह से बोर्ड में लगाना है,
एंड फिर आप आयरन यूज कर सकते हो। अब बेसिकली भाई यहाँ पे ज्यादा गैजेट मिलते नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने ये सस्ता वाला आयरन ले लिया था। तो फाइनली गाइस बात करते हैं मुद्दे की, क्या आपको रिलायंस डिजिटल से एक्सेसरीज वगैरह मंगवाना चाहिए या नहीं। तो देखो क्लियर कट जवाब है, जितना भी गैजेट मैंने ऑर्डर किया था वो सारे हमारे पास आ गए। इसमें से दो जो गैजेट निकले, एक तो भाई काफी गंदा हालत में था और सेकेंड काम ही नहीं किया, यानी डिफेक्टिव आइटम आ गया है, तो उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर हमारे पास आएगा या नहीं आएगा आई डोंट नो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एक्सेसरीज वगैरह मंगवाना है तो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट ही आप प्रीफर करो। बाकी अगर आपके स्टेट वगैरह में रिलायंस डिजिटल का स्टोर है तो वहाँ जाकर आप बाय करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके बाकी आप बताओ वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो में, तब गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय।